तो हेलो दोस्तों, अगर आपके YouTube वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं, आप बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आपकी उनमें से कोई भी वीडियो ऐसी वायरल नहीं हुई जिससे आपके चैनल को थोड़ा बूस्ट मिल सके, तो ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि हम इतनी मेहनत से वीडियोज़ बनाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन, फिर भी हमारा वीडियो जो है वायरल नहीं होता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 प्रो टिप्स बताऊंगा जिनको आपने अगर फॉलो कर लिया तो आपके चैनल पे जो भी आप अब से वीडियो अपलोड करोगे उसी वीडियो से आपके चैनल की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अपनी वीडियो में जो भी गलतियां करते हो वो आप खुद तो पता नहीं लगा सकते, पर इस वीडियो में मैं आपको उन गलतियों को बता दूंगा कि आप कहां पे कौन सी गलती कर रहे हो जिससे आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। दोस्तों, चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं ऐसे कौन से 5 प्रो टिप्स हैं जिनको फॉलो करने के बाद आपका चैनल बूस्ट होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम है कपिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल SBS। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मेन बात आती है कि आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं वो सर्चेबल है या नहीं। आपको हमेशा सर्चेबल टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। अगर आपने सर्चेबल टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाया तो वीडियो रैंक नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए आपको चाहिए सर्चेबल टॉपिक। तो अब आप कहेंगे सर्चेबल टॉपिक हम कहाँ से लाएं? इसके लिए आप जो भी टॉपिक यूट्यूब पर सर्च करोगे तो वहाँ पर जो फिलहाल में वीडियो अपलोड हुई हैं उनको आप फिल्टर करके सर्च कर लेना, 7 डेज का या फिर लास्ट मंथ का, जो आप फिल्टर लगा लेते होगे। तो जब आप फिल्टर लगा के वहाँ पर सर्च करोगे तो फिलहाल में देखोगे किसी बड़े यूट्यूबर ने उस टॉपिक पर वीडियो बनाया है। अगर वीडियो बनाया है और उस पर अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं तो आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना लेना चाहिए। ये तो हो गया सर्चेबल टॉपिक। पर आप गलती क्या करते हो, वहाँ पर जब सर्च करते हो तो देखते हो बड़े यूट्यूबर ने वीडियो तो बनाया है पर वो वीडियो जो है 1 साल पुराना है, उस पर मिलियंस व्यू आ रहे हैं। आप सोचते हो इसके मिलियंस व्यू आ रहे हैं तो हम भी इसी टॉपिक पर वीडियो बना देते हैं, पर आपका वीडियो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो वीडियो 1 साल पहले मतलब अपलोड हुआ था, 1 साल पहले उस पर ग्रोथ हुई थी। अब हो सकता है कि उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हों और आप उस पर वीडियो बना रहे हैं, तो ऐसे में वो नहीं चलने वाला। इसलिए आपको देखना है फिल्टर लगाने के बाद में कि लास्ट मंथ में या फिर लास्ट वीक में किसी बड़े यूट्यूबर ने, आप जो टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हो उस पर किसी ने वीडियो बनाया है, जो बड़ा क्रिएटर है अगर उसने बनाया है तो आप उस पर वीडियो बना डालिए। ये तो हो गया सर्चेबल टॉपिक। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रो टिप्स के बारे में। इसमें मैटर करता है थंबनेल। अगर आप जो है वीडियो बना लेते हो उसके बाद मैटर करता है थंबनेल। आपको थंबनेल बनाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, एक अट्रैक्टिव थंबनेल। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पर कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो वहाँ पर जिसका थंबनेल अट्रैक्टिव होता है आप सीधे उसी वीडियो पर क्लिक करते हो, ना कि आप ऐसी वीडियो पर क्लिक करते हो जिसके थंबनेल में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों, एक प्रोफेशनल क्लिकेबल थंबनेल कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। वीडियो का लिंक जो है आपको मिल जाएगा ऊपर, आप देख सकते हैं आई बटन में, वहां से जाकर थंबनेल बनाने की उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रो टिप्स के बारे में। तीसरा प्रो टिप्स है आपको समझाने का तरीका होना चाहिए। अगर आप टेक वीडियो बनाते हैं तो आपको अपनी वीडियो में समझाने का तरीका आना चाहिए। अगर आप सामने वाले को कुछ भी जो भी ज्ञान दे रहे हैं, जो भी वीडियो में बता रहे हैं, तो सामने वाले को वो ठीक से समझ में आना चाहिए। तो आपका जो है पहली बात तो ये है कि आप जब वीडियो बनाते हैं तो अपना आई कांटेक्ट जो है कैमरे के लेंस से रखें। दूसरा, आपको समझाने का तरीका इतना ज़्यादा जो है सिंपल होना चाहिए कि सामने वाले बंदे को तुरंत ही समझ में आ जाए। तो जब आपकी वीडियो से उसे काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी तो वो अपने आप उस वीडियो को जो है लाइक करके जाएगा, सब्सक्राइब करके जाएगा, आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो हो गया तीसरा प्रो टिप्स जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चौथा प्रो टिप्स की बात करते हैं तो यहाँ पर निकल के आता है ऑडियो क्वालिटी। अगर आप अपनी वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सुधार करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आपकी ऑडियो क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। आप एक अच्छे माइक का यूज कर सकते हैं या फिर एक अच्छा सा ईयरफोन ले सकते हैं जिसमें आपको अच्छी सी वॉइस क्वालिटी रिकॉर्ड हो जाए। आपको अपने फ़ोन से सिंपली रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि अब आप फ़ोन दूर रख के वीडियो को बनाओगे तो वहाँ पर आपकी ऑडियो जो है बीच में नॉइस आ जाएगी, जिससे आपकी ऑडियो क्वालिटी ठीक से सुनाई नहीं देगी। इसलिए आपको चाहिए कि एक माइक्रोफोन या माइक का इस्तेमाल जरूर करें अपनी YouTube वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि जब आपका ऑडियो ठीक होगा तभी किसी सामने वाले पर्सन के सामने आपकी वीडियो का जो रिजल्ट है, जो आप बता रहे हो, वो समझ में आएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 5वें प्रो टिप्स के बारे में। क्या है? आपको एक प्रोफेशनल तरीके से वीडियो एडिटिंग करनी है। एडिटिंग करने के लिए आप सिंपल से कोई भी काइन मास्टर वगैरह प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, आप उनसे एडिटिंग कर सकते हो। आपको कोई भी हाई लेवल का जो है वीडियो एडिटर की जरूरत नहीं है, पर आपको जरूरत है थोड़े माइंड में कुछ रखने की। जैसे कि आपको कुछ ऐसी एडिटिंग करनी है जो सामने वाले पर्सन को जो है आपका कंटेंट ठीक से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं यहां पर पैसों के बारे में, तो यहां बगल में आप जो है पैसे का एक सैम्बल या फिर लोगो या फोटो लगा सकते हो, जो एक एनिमेशन टाइप का निकल के आना चाहिए। तो ऐसे से जो है सामने वाला बंदा जो है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और वो मजबूर हो जाता है आपकी वीडियो को पूरा देखने के लिए। कुछ आप ऐसे वैसे इधर उधर से जो चीजें लगाते हो
लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब आपका न्यू यूट्यूब चैनल हो तो आपको शुरू में वो इंट्रो नहीं लगाना है जो आप लगाते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ये वाला नहीं लगाना है। आपको कुछ ऐसे फालतू की चीज़ अपनी वीडियो में ऐड नहीं करना है, एक प्रोफेशनल तरीके से आपको अपनी वीडियो को एडिट करना है। तो जब आपकी ये वीडियो बनकर रेडी हो जाए उसके बाद अपनी वीडियो को यहाँ पर YouTube पर पब्लिश कर दीजिए। अगर आपको YouTube पर वीडियो पब्लिश करने का सही तरीका नहीं पता है तो उसका वीडियो मैंने बना दिया, आप स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हो। इस वीडियो क्लिक कीजिए और जानिए कि YouTube पर प्रोफेशनल तरीके से वीडियो कैसे अपलोड करते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए थे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।